बचपन से अगर हम उन्हें, अब कोई भी होली बुक पढ़ लीजिए, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे एनीथिंग, ओनली टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस. और हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा है, ओह आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे, आई विल नॉट डू दिस. अरे भाई, फीलिंग गुड से खाने का क्या ताल्लुक, या किसी काम करने का क्या ताल्लुक? यस, दिस हैपेंस. एक और बहुत छोटा सा हिंट देता हूं आपको. अभी न्यू ईयर क्या, हाउ मेनी ऑफ यू मेड रेजोल्यूशंस? किसी ने नहीं. सो एवरी ईयर वी मेक रेजोल्यूशंस, विल स्टार्ट योगा, विल स्टार्ट मेडिटेशन, विल स्टार्ट श्लोकास, विल स्टार्ट दिस. व्हाट हैपेंस ऑन फर्स्ट? बट अगर हमने प्लान किया है पिकनिक या मूवी, डू वी लूज दैट प्रोग्राम? नो, आई विल नॉट से कि दैट इज रॉन्ग, बट दैट इज नॉट इन्फॉर्मेटिव, दैट इज नॉट एजुकेटेड, दैट इज नॉट वॉट कैन ब्रिंग अ चेंज इन योर लाइफ. एक चीज आज याद रखो, वेन एवर यू हैव अ पॉजिटिव थॉट इन योर लाइफ, वेन एवर यू थिंक पॉजिटिव, कुछ भी करने का आप कल का सोच रहे हो, मैंने कल वहां जाके कुछ अच्छा करना है, देर वुड बी अ डाउट एसोसिएटेड टू इट. प्रकृति हमारे को एक डाउट क्रिएट कर देती है. द डाउट इज नॉट कि वी आर रॉन्ग, द डाउट इज लेट अस चेक इट अगेन वेदर वी आर ऑन द राइट साइड और नॉट. एंड द थर्ड थिंग व्हाट वेदिक मैथ डज इज इट गिव्स यू अबिलिटी टू थिंक. जैसे मैंने बोला, we are right now in Chitwan and I ask you, okay, go to Kathmandu by walk, what you'll say? Sorry, but if I give you option, okay, you can fly, you can go by car, you can go by bus, then you'll say yes, it is possible. So that is what you get. So that is ability to think. हमें एनफोर्स नहीं करना मैथ को, फ्रीडम दे दो, लेट देम थिंक व्हाट द डिफरेंट वेज कुड बी देयर. एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन 5 तरीके से हो सकता है, एक स्केयरिंग का क्वेश्चन 10 तरीके से हो सकता है, दैट इज लेट देम डू इट, बट वी आर एनफोर्सिंग. एक बहुत एक ऐसा ही वाटर If you remember, ATM होती है आपके यहां. So the mother walks in, father walks in, my child is very hardworking, but not able to concentrate, not able to focus, not able to pay attention. आता है ये सवाल, parents पूछते हैं ये सवाल? नहीं. Teacher का भी same जवाब, yes, the child is not able to focus in class. Not paying attention. My humble request to both of them, teacher as well as parent, have we taught any method how to concentrate, how to focus, how to pay attention? The same child for whom you are saying he is not able to concentrate, wo games mein shayad topper ho. So why he is able to do best in games or music or arts? Why not education? Because That is not his interest. हमने इंटरेस्ट जगाया ही नहीं, हमने इंटरेस्ट क्रिएट होने ही नहीं दिया. आप कौन सी चीज रिपीट करते हो? What do you repeat again and again? What you find positive, in which you feel joyous, in which you feel motivated, and that is only which leads to concentration. Repetition of any action, it is concentration. जितनी प्रॉब्लम्स है हमारी मैथ्स में, जो बच्चा डरता था वो वैदिक मैथ से आप 10 मिनट में खत्म कर सकते. वन क्लास जो किया है आज तक उसने, चाहे वो फर्स्ट क्लास का बच्चा है, चाहे सिक्स क्लास का है, नाइन्थ का है, टेंथ का है, वट एवर दे हैव डन, वेरी फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट थिंग दे शुड नो इज वेदर दे आर करेक्ट और नॉट. दैट कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड एंड दैट विल दैट कैन बी गिवन बाय वैदिक मैथमेटिक्स.
Now, I won't go in depth, but yes, what all we can do in this? क्योंकि ऐसा नहीं है, आपने नहीं देखा होगा, गूगल जब भी करते हैं वैदिक मैथ्स वर्ड आता है. नेपाल में इवन आई हैव गिवन मोर देन 70 सेमिनार्स इन डिफरेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, एंड सो मेनी पीपल आर फॉलोइंग दिस, सो मेनी टीचर्स आर ट्रेंड, स्टूडेंट्स आर डूइंग इट. सो व्हाट, व्हाई, हाउ इट कैन बी beneficial, or what all we can do. एक बहुत सिंपल सा वर्ड हमने सीखा हुआ है, ट्रिक्स. यस, इट इज जस्ट अ बंच ऑफ ट्रिक्स. सो नो, इट इज नॉट ओनली अ ट्रिक, बट इट इज अ सिस्टम इन इटसेल्फ. अच्छा चलिए एक सवाल और करते हैं, जवाब मुझे किसी का भी नहीं मिला, बट लेट्स ट्राई. हाउ डू यू राइट ऑन पेपर, लिखते कैसे हैं, किस डायरेक्शन में? लेफ्ट टू राइट. पक्का कोई राइट टू लेफ्ट भी लिखता है? एंड हाउ, हाँ उर्दू, यस करेक्ट. हाउ डू वी रीड अ पेपर? वो भी लेफ्ट टू राइट ही होता है, करेक्ट. अभी आप बिल्कुल सामने देखेंगे तो फर्स्ट थिंग यू सी इज द अल्फाबेट्स ऑन द लेफ्ट साइड, बिकॉज हैबिट है. सो दैट मींस यू लेफ्ट, यू राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यू रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यू सी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब सवाल ये है, मैथ्स की कैलकुलेशन आप राइट टू लेफ्ट क्यों करते हैं, जब सब कुछ आप लेफ्ट टू राइट करते हैं? मैथ्स राइट टू लेफ्ट, दिस आंसर आई विल नॉट बी गिविंग यू. सोचो आप इस पे. आई कैन ओनली से वन थिंग, दिस इज अ रीजन व्हाई योर मेंटल मैथमेटिक्स इज स्लो. द डे यू, आई कैन राइट नाउ ऑल्सो टेल यू, आप 40 डिजिट्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर पाएंगे 10 सेकेंड में, बट यू हैव टू फॉलो डायरेक्शन. एक्चुअली वी हैव बीन कॉपिंग, जो हमें वेस्टर्न ने सिखाया, वी आर डूइंग दैट वे, वी नेवर थॉट. यस, किसी ने सोचा अभी नहीं व्हाई मैथमेटिक्स राइट टू लेफ्ट? एनीवन? मैं तो बहुत बहुत छोटे सवाल पूछ रहा हूं, अभी तो उस लेवल पे आई नहीं हूं. बेसिक्स प्लीज. बोली भी बड़ी चीज पड़ गई, छोटे चिराग तले अंधेरा सुना था? चिराग तले अंधेरा सुना है? यही तो प्रॉब्लम आ रही है. सर ने बिल्कुल ठीक कहा था, वी हैव टू चेंज आवर मेंटेलिटी. हम बच्चे को अपने हिसाब से सिखा रहे हैं, उसके हिसाब से क्यों नहीं? अब उसको नहीं समझ आ रहा 2+2 तो आपने क्या किया? बस तो रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? फिर टेंथ में आके आप क्या करते हैं? यू आर वीक इन मैथ्स, चेंज योर सब्जेक्ट टू बीए, चेंज इट टू बीकॉम, चेंज इट टू, अगर फाइनेंशियल साउंड है, मेडिकल, करेक्ट. मैथ्स छोड़ दे बेटा, तेरे बस का नहीं है. यू नो व्हाट हैपेंड, आपने एक जिंदगी खराब कर दी. अगर वो बीए टॉप कर गया तो कर सकता है ना, जरूरी तो नहीं कि बाद में वो नहीं हो. क्या पता वो तब तब तक उसका इंटरेस्ट नहीं था, धीरे बन गया, वो बीए टॉप कर गया. अब उस बच्चे को एमबीए में जाना है, क्या करोगे आप? दे सकते हो एडमिशन? नहीं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं वो दे सकता. जिस मैथ्स के डर से आपने उसे हटा दिया, वो उसके अंदर तो बैठ गया ना, अब तो वो कभी भी नहीं कर पाएगा. सो व्हाट वी डिड, हु आर वी टू डिसाइड दैट यू कैनॉट डू मैथ्स? Rather, हमें यह समझाना था, मैथ्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डेली लाइफ. सुबह उठते हैं, वी हैव अलार्म क्लॉक, देन वी मेक शेड्यूलर्स, हम ट्रेवल करते हैं, डिस्टेंस देखते हैं, स्पीड देखते हैं. घर में लेडी कुक करती है तो वो टाइम देख के कुकिंग करती है. एवरीथिंग इज मैथ्स. देयर बी इवन वन एरिया वेयर वी डोंट फाइंड मैथमेटिक्स. जब करना है
पानी हमें पीना ही है, मजबूरी है, तो हम बोतल लेते हैं ना, तो मैथ्स करना ही है, मजबूरी है, तो why not to make it easy so that it is enjoyable, it is joyous, it is positive for everybody. Just think over it. So that was only few questions which I leave for today, and I hope you'll think about it, why the direction, why students have fear of maths. Table of 89, yes, if I'll get time, सबके बाद तो आई शो यू 89 का टेबल 10 सेकंड में आप कैसे कर सकते हैं. नॉट एनी 89 एवरी टेबल, बट जस्ट थिंक ओवर इट, दीज आर द थिंग्स. ठीक है, थैंक यू यवेश सर.